ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई है। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री जनहित में योजनाएं बनाते हैं, साथ ही योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे यह भी सुनिश्चित करते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर में और सांसद विजय बघेल ने दुर्ग में किया विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ। यात्रा के तहत राज्य के अनेक स्थानों में आज आयोजित किए गए कार्यक्रम और प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गईं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल होकर यात्रा में शामिल रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीने हो चुके हैं और यह यात्रा हजारों गांवों के साथ 1500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे छोटे कस्बे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ से भी यात्रा का शुभारंभ हो गया है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। प्रधानमंत्री ने नई सरकार से आग्रह किया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा को हरी झंडी भले ही उन्होंने दिखाई है, लेकिन सच्चाई यह है कि राज्यों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। उन्होंने कहा कि आज चर्चा का फोकस शहरी क्षेत्रों पर था और विकसित भारत के संकल्प में शहरों की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के लंबे समय तक जो विकास हुआ उसका दायरा बड़े शहरों तक रहा, लेकिन अब टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से छोटे शहरों में मूल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत ट्रैफिक और ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों में पहली बार व्यापक स्तर पर काम हो रहा है और इसका असर इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पड़ा है। श्री मोदी ने लोगों से आह्वान किया कि वे विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। इधर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई है। रायपुर के विवेकानंद सरोवर के पास आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यात्रा में शामिल वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इन रथों के माध्यम से आम लोगों को शासकीय योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने वर्चुअल माध्यम से राज्य में विभिन्न जिलों से जुड़े लाभार्थियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह यात्रा छत्तीसगढ़ में भी प्रभावी तरीके से संचालित हो रही है। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री जनहित में योजनाएं बनाते हैं, साथ ही योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे यह भी सुनिश्चित करते हैं। कि हमारे ये प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री है जो योजना लागू भी करते और वो योजना पात्र व्यक्ति मन तक पहुंचे, एक भी उपाय करते। ऐसा प्रधानमंत्री आपने पहले नहीं देखे हुई होगी। योजना बने भी और लाभ जरूरतमंद तक पहुंचे, लेकिन हमारे 140 करोड़ भारतवासी के लिए सौभाग्य ऐसे प्रधानमंत्री हमला मिली से। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि मोदी की गारंटी पूरी होगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे सभी पात्र हितग्राहियों से फार्म भरवाकर उन्हें योजना का लाभ दिलवाने में मदद करें। कार्यक्रम स्थल पर सेल्फी जोन बनाया गया था, जहां मुख्यमंत्री ने सेल्फी खिंचवाई। रायपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर सांसद सुनील सोनी और रायपुर विधानसभा क्षेत्रों के 9 निर्वाचित विधायकों के अलावा मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित थे।
वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक में विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राही भी मौजूद थे। दुर्ग के बोरसी स्थित प्रगति मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ सांसद विजय बघेल ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य जांच शिविर और आधार कार्ड का अपडेशन के साथ आयुष्मान कार्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ के लिए लोगों से आवेदन भी लिए गए। इसी तरह कोरबा के दर्री स्थित दुर्गा मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक लखनलाल दिवांगन और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी आम लोगों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। मुंगेली के जहरा गांव स्थित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में स्थानीय विधायक पुन्नूलाल मोहले शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा जशपुर जिले के आरा ढोड़ीढंड केसाई शिवपुर और दुर्गापारा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। योजना के प्रचार प्रसार के लिए जिले में 5 वैन चलाए जा रहे हैं। दुर्गापारा में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जशपुर विधायक रायमुनि थीं। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा के माध्यम से पात्र लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ पर रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी रायपुर से आज रात 9:30 पर प्रसारित की जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ स्थित सभी आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा रिले किया जाएगा। आज देशभर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1971 में 13 दिन तक चले युद्ध के बाद आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। युद्ध में देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों को आज श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का एक अलग राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बहादुरी और समर्पण देश के लिए हमेशा गौरव का स्रोत रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रदेशवासियों को विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश के वीर जवानों को नमन किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आज देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी जिला न्यायालयों और व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालतें लगाई गईं। लोक अदालत में पुराने और लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी, ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण, बैंक और विद्युत संबंधी प्रकरण शामिल थे। इसके अलावा राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के बीच आपसी बंटवारे, दूरसंचार विभाग, नगर निगम और नगर पालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरणों का भी आपसी राजीनामे के आधार पर निपटारा किया गया। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय शर्मा पहली बार आज अपने गृह नगर कवर्धा पहुंचे। उनके आगमन पर राजनांदगांव बायपास से मोटरसाइकिल रैली निकालकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं कबीरधाम जिले के अगरी, दशरंगपुर, पनीका, इंदौरी और धर्मपुरा सहित अन्य गांवों के लोगों ने भी उप मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। उनके प्रवास के दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे भेंट की और आम लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। कांग्रेस नेता और पाली तानाखार क्षेत्र के पूर्व विधायक मोहित केरकेट्टा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अपना इस्तीफा भेज दिया है। श्री केरकेट्टा ने अपने इस्तीफे का कारण नहीं बताया है। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक महंत राम सुंदर दास ने भी कांग्रेस पार्टी से अपना त्यागपत्र दे दिया था। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों का कैंप ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। मौके से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, माओवादी साहित्य और प्रतिबंधित माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री के साथ अन्य चीजें बरामद की गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पेद्दा कोरमा के जंगलों में गंगालूट एरिया कमेटी के माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी बस्तर फाइटर, एसटीएफ और कोबरा बटालियन के जवान गश्त पर निकले थे। इसी दौरान यह कार्रवाई की गई। वहीं कांकेर जिले में परतापुर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने 4 माओवादी मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादियों पर हाल ही में परतापुर सड़क टोला के पास आईईडी विस्फोट की घटना में शामिल होने का आरोप है। इस विस्फोट में बीएसएफ का एक प्रधान आरक्षक शहीद हो गया था। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 से प्रसारित किया जाएगा।
प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कोंडागांव जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल में चात्रा मुरारई सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण आज से 30 दिसंबर के बीच कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। इसके तहत 26 दिसंबर को एलटीटी कामाख्या एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से रवाना होगी। वहीं 23 और 30 दिसंबर को कामाख्या एलटीटी एक्सप्रेस भी बदले हुए मार्ग से चलेगी। इसी तरह 23 और 30 दिसंबर को मालदा सूरत एक्सप्रेस मालदा से 2 घंटे देरी से रवाना होगी। वहीं आज और 19 दिसंबर को सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को बरौनी स्टेशन में समाप्त कर दिया जाएगा। यह ट्रेन बरौनी दरभंगा के बीच रद्द रहेगी। इसी तरह 19 और 22 दिसंबर को दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस बरौनी स्टेशन से शुरू होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई है। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री जनहित में योजनाएं बनाते हैं, साथ ही योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे यह भी सुनिश्चित करते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर में और सांसद विजय बघेल ने दुर्ग में किया विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ। यात्रा के तहत राज्य के अनेक स्थानों में आज आयोजित किए गए कार्यक्रम और प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गईं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।